अस्सलाम वालेकुम गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग्स में। सॉरी फॉर दैट, वो इसलिए कि हम लोगों ने आप लोगों को इतना ज़्यादा इंतज़ार कराया गाइस, इसकी भी कुछ वजह है, हम लोग आप लोगों को बाद में बताएंगे। तो टाइम अभी बहुत ज़्यादा कम है गाइस, क्योंकि दिल्ली दरबार की ओपनिंग भी होने वाली है, सो हम लोगों को वहाँ पर जाना भी है और आप लोगों को कुछ दिखाना भी है। सो इसलिए गाइस हम लोग जा रहे हैं दिल्ली दरबार। हम लोग आ चुके हैं दिल्ली दरबार पे, देख सकते हैं आप लोग हमारे पीछे साइड जो है वो दिल्ली दरबार है। कौन सा मोड़ है, कौन सा मोड़ है सलीम भाई? ये चौराहा, खुरासन रोड चौराहा। ये खुरासन रोड चौराहा इसको बोलते हैं गाइस। और इस साइड से अगर आप जाएंगे, वहाँ की साइड जाएंगे, तो आपको ये राइट साइड पे पड़ेगा। तो गाइस चलिए सीधा अंदर चलते हैं। और पीछे देखिए हमारे फ्रेंड्स लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और सब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब हम ब्लॉग्स बना रहे हैं तो वो लोग को हंसी आ रही है ना सलीम भाई? सीधा अंदर चलते कि नहीं? चलिए सीधा अंदर चलते हैं। हमारे फ्रेंड्स लोग लगता है, आइए सलीम भाई यहाँ पे आइए। अरे भाई क्यों नहीं आए भाई, आप अपना नाम बताइए। सलीम, क्या जी? अबू हमजा। अबू हमजा भाई? सलीम अहमद। इरफान कट्टा। और आपका नाम भाई? इरफान कट्टा। और आप लोगों के साथ एक आता था, वो नहीं है क्या जगह जो आया था? कहाँ पे क्या गया? चलिए ठीक है भाई, तो चलते हैं सीधा। खास नहीं, अभी यहाँ पे कुटाई उठ रही है और हमारे साथ जुड़े हुए एक न्यू ब्लॉगर जो कि हमारे गांव की ही है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको इनका भी लिंक मिल जाएगा, आप इनके चैनल को लाइक करें। आपका चैनल वो एसके कैप ब्लॉग। आप माइक में बोलिए। तो हमारे चैनल का नाम है एसके कैप ब्लॉग, जहाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और भाई को मैं कहता हूँ, मेरे दिल से कहता हूँ कि भाई को फुल सपोर्ट करो और भाई का कॉन्फिडेंस दिलाओ। उसको लाइक सब्सक्राइब करो। और भाई देखो, आपके लाइक करने से, कमेंट करने से क्या होता है कि हम लोग को दिल से वो होता है कि हाँ, हमारा भी कुछ चल रहा है, हमें भी कुछ मिल रहा है। तो बस यही आपसे कहना कि भाई के फुल सपोर्ट करो। भाई भी चाहे आगे जाए, चाहे हम आगे जाए, बस कोई निकले हमारे गाँव से, कोई भी आगे जाए, बस आप भी आ चुके हैं। और ये पीटा घाट के अभी ढाबे का उद्घाटन करेंगे। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि हम लोग आपको और भी कुछ नया दिखाने की कोशिश करें। जब तक आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमारा मोटिवेट
हम लोग कभी नहीं करेगा कि हम लोग वीडियो बनाए, इसीलिए जो भी देखे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दे, तभी जाना आपको, ठीक है। तो रही मैं आप करना चाहते हैं इसके आगे बढ़ते, मैं ढाबे के बारे में सोच रहा था यार सलीम भाई। क्या ढाबा तो बवाल है यार, ये तो हमारी पब्लिक कमिंग में बताएगी ढाबा कैसा है। जब तक पब्लिक आएगी नहीं तो बताएगी कैसे, एक बार आप लोग जरूर आना। अब पब्लिक आएगी तभी जब हम लोग बताएंगे, एक बार आएंगे, बार बार आएंगे बार बार आएंगे। मस्त है भाई एकदम, कॉफी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ काम थोड़ा मोड़ा बाकी, जैसे इस रूम में एसी लगाने में तो भी लग जाएगी आज एक दो दिन में। अरे भी एसी तो मैं भी लगा सकता हूँ। हाँ ये आप लोग समझ गए कि वाला क्यों नहीं आ रहा था, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। क्यों नहीं भाई, हमारी पब्लिक है भाई समझदार है। थोड़ी देर पहले मैं गया था काम सीखने के लिए, और इतने दिन से मैं काम कर रहा था। गाइस आप लोगों को लग रहा है एसी में बना लूँगा, जितने दिन मैं गया काम सीखा हूँ, सिवाय बिगाड़ने के बनाने मेरे को कुछ भी नहीं आता। सिर्फ हथौड़ी ये सब मैं चलाता रहता हूँ। अच्छी खासी एसी अगर आप उनको सर्विस करने को दोगे तो वो सर्विस नहीं होगी, वो कचरा हो जाएगी, सब खराब हो जाएगी, उसकी हड्डी पार्टी अलग हो जाएगी। अभी को देखो कैसे हम लोग फोकस मारे उससे, वो सब एडिटिंग का कमाल रहता है, लाइट आती है जाती है, लाइट आगे चली गई, एडिटिंग का कमाल ये नहीं है। ये खास जो है कि हमारे वज़ीफ़ा भाई जो है ये अपने बैठने के लिए यहाँ पे ये रूम वो किया है, मीटिंग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए कोई भी छोटी बड़ी बात ये सब उसके अंदर आके बोलते हैं। अब ये रूम भी बहुत है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए है ना सलीम भाई, ये देखिए पीछे टकला मतलब लाल लाल पानी निकलेगा ऐसा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये न्यू लुक है बताना। ये सोते समय बारिश का कट गया था, थोड़ी काटा है आप समझ ही गए होंगे। तो आप ही बोल रहे थे सलीम भाई कि हमारे जो है सब्सक्राइबर फॉलोअर्स जो है बहुत ज्यादा समझदार है, तो मैंने आपके फॉलोअर्स को बस इतना बता दिया है कि सोते वक्त आपकी कटिंग हुई थी तो समझ ही गए होंगे। घर में कौन कटिंग कर सकता है, कौन कर सकता है, तो पक्का वो लोग समझ गए। एक मूवी आई थी केजीएफ, वो तो ठीक थी, गनीमत था, कुछ हद तक ठीक थे। केजीएफ पार्ट टू जब आई है तो सब लौंडे मतलब अपने आप को कौन था यस सब लौंडे अपने आप को यस समझने लगे थे। तो वही लुक हेयर वही सब, घर वाले मना कर रहे थे फिर भी नहीं मान रहा था, तो घर वाले जानते थे बंदा कब कमजोर होता है, सोते वक्त ही कमजोर होता है। ये मेटअप हुआ था घर में बाल कट गया, और बोल रहा है यहाँ पे आके कि मेरा न्यू स्टाइल है, कोई स्टाइल नहीं है गाइस, इसका बाल कट गया है, घर में सब काट लिया। गाइस यहाँ पे जितने लोग आए अभी आपने देखा वीडियो के अंदर ही, जितने लोग यहाँ पे आए थे सभी से मैंने पूछा और सब बोल रहे हैं मस्त है। अभी एक बंदा था कोई बोल रहा था काबुली चना थोड़ा कच्चा था भाई, हाँ वो चने का नाम ही काबिल है, वो काबिल बन जाता होगा, इसी वजह से वो कच्चा रहेगा, वो मुझे लगता है वो कच्चा रहेगा। मतलब पूरा ढाबा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं थी जिस पे हमें पहुंचने के बाद ढाबा प्यारा दिखे। एक वो था, एक ये जगह थी, ये जगह तो हम अपने से ढूंढ ही लिए हैं। तो गाइस यहां से ढाबा काफ़ी प्यारा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहां से, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूं यहां से ढाबा कितना प्यारा लग रहा है। गाइस ये रहा ढाबा, देख लीजिए आप लोग, ज्यादा खूबसूरत इसकी रेसिपी है कि नहीं सलीम भाई। Thank you.
हेलो गाइस, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा न्यू ब्लॉग्स? गाइस अगर ब्लॉग्स पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा गाइस। चलिए ठीक है, ब्लॉग तो बन गया। अभी काफी रात हो चुकी है, ऐसा है कि अभी 12 बजने वाला है यहाँ पे, तो चलिए ब्लॉग एंड करने का हाँ बहुत ज्यादा थक गए हैं। अब हम लोग कभी के आए हुए हैं यहाँ पे, ब्लॉग का एंड करने का वक्त आ चुका है गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं अभी घर, मिलते हैं इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। अब जो ब्लॉग है तो प्रॉपर आते ही रहेगा, तब तक के लिए गुड नाइट।